हेलो गैस, दिस इज एम इस्लाम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस एम मैथ क्लासेस। चले गैस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सो आज इसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन से आपका बोर्ड एग्ज़ाम सीबीएसई हो या बीएसई भी 11-12 में लगभग 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सो गैस, और ये भी आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है इसका, क्योंकि आप जब भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन करेंगे तो उनमें डिफरेंशिएशन से आपका नीट का हो या जेई मेंस या एडवांस हो, चाहे आप आईआईटी का कोई भी सवाल लो, इससे रिलेटेड फिजिक्स में भी क्या रहता है, डिफरेंशिएशन से सवाल रहता है। तो सो आज का वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, सो इसे समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। ये गारंटी है आपका कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। आप एक बार इत्मीनान से देख लीजिए, डिफरेंशिएशन का आप मास्टर बन जाएंगे। तो सो वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए गाइस, टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। चलिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है डिफरेंशिएशन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन, जिसका हिंदी होता है अवकलन। अगर इसका रिजल्ट जब आता है तो उसको हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव जो होता है, डिफरेंशिएशन जो चैप्टर का नाम होता है, ये कैलकुलस का पार्ट से है और उसका जो रिजल्ट आता है उसको कहा जाता है डेरिवेटिव। और डिफरेंशिएशन जब रिजल्ट इसका फाइंड आउट होता है तो उसको हिंदी में कहा जाता है तोड़ना या छोटा करना। यानी किसी भी चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, तोड़ के या छोटा करते हैं तो वो डिफरेंशिएशन का क्या आ जाता है, वैल्यू आ जाता है। तो चलिए, यहाँ पे जैसे क्या किया, सिंबल ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का सिंबल डी ओपन डी एक्स ही होता है। इस जगह पे आपके पास वाई एक्स है, इस जगह पे अदर वेरिएबल भी हो सकता है, जेड टी भी हो सकता है, लेकिन ये सिंबल ही होता है डी ओपन डी एक्स होता है, जिसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है फिजिकल मीनिंग डी ओपन डी एक्स जो होता है वो कैसा मीनिंग होता है, फिजिकल मीनिंग होता है जो स्लोप ऑफ टेंजेंट का होता है। किसका होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का। और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमेशा किसी ना किसी कर्व का निकलता है, तो उसका भी डिस्कस करने वाले हैं। डीसी जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में डीसी, डीसी का फुल फॉर्म होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। और डिफरेंशियल में टू वेरिएबल का यूज़ होता है, यानी कोई भी डिफरेंशियल आप सॉल्यूशन करोगे यानी उसका रिजल्ट निकालोगे, डेरिवेटिव निकालोगे, तो उसमें हमेशा टू वेरिएबल्स यूज होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं डिफरेंशियल में टू वेरिएबल का यूज़ होता है। और जैसे देखिए यहाँ पे एक्स एंड वाई क्या होता है, x एंड y, अदरवाइज इसके जगह पे कोई दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे z एंड t भी ले सकते हैं, या आप इसे u एंड v भी ले सकते हैं, यानी कोई भी टू वेरिएबल्स आप इस जगह पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी आपके पास वेरिएबल आए, x, y आए, z, t आए, या अदर दूसरा वेरिएबल रहे, तो उसमें हमेशा एक डिपेंड होता है और एक डिपेंडेंट होता है, और एक दूसरा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सो अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किसी कर्व से यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। आई होप ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चले गैस, अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप क्या होता है, इस चीज़ को देख लेते हैं। चलिए, इस फिगर से समझ में आ जाएगा कि स्लोप क्या है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक एक्सिस बन लिया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाया, उसमें आपने एक कर्व डाला वाई इक्वल टू एफ एक्स का, ये हो गया आपके पास कर्व। और इस पे आपने क्या डाल दिया, स्लोप डाल दिया, यही है आपके पास, ये स्लोप है। यानी इसको अगर पी टी मान लेते हैं तो ये क्या हो गया है कि स्लोप हो गया, जैसे यहाँ पे ये हो गया स्लोप। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या लिया कि एक बिंदु लिया एक्स इक्वल टू ये पे, और उसका नेबरहुड ले लिया आपने, क्या ले लिया, ये प्लस एच, यानी आप इस प्रोग्रेस हो रहा है तो ये प्लस एच हो जाएगा, और इस बिंदु का अगर पॉइंट होता है तो एच एक्स होता है, यानी आपके पास ये एक्स होता है, क्या होता है, ये आपका एक्स होता है। तो अब इस जगह पे देखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, यानी स्लोप क्या होता है। तो जब ये P
पीटी का स्लोप आप निकालेंगे तो जैसे देखिए यहाँ पे पीटी का स्लोप ये है, पहला बिंदु एक्स वन वाई वन, इसका है एक्स टू वाई टू। जब स्लोप निकालते हैं तो स्लोप का फॉर्मूला होता है वाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हो गया आपके पास स्लोप। इसी चलिए गैस, अब हम लोग समझेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव अगर नहीं समझेंगे तो आप कोई भी डेरिवेटिव का एक भी फॉर्मूला का प्रूफ नहीं समझ पाएंगे। तो सो गैस, ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव बहुत ही ईजी होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव जो होता है उसको प्रूफ के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एट फर्स्ट आपको क्या करना है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स आपने क्या कर लिया, मान लिया। इसमें जबकि x एंड y है तो x एंड y आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इससे पहले ही जैसे कि हम लोग ने बात किया कि इसमें क्या होता है कि x एंड y टू वेरिएबल्स होता है, जिसमें एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। अब किस में कौन इंडिपेंडेंट होता है, किसको डिपेंडेंट और किसको इंडिपेंडेंट कहते हैं, तो चलिए इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे तब क्या करते हैं, इस इक्वेशन में स्मॉल चेंज डेल वाई एंड डेल एक्स इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में क्या करेंगे हम लोग, स्मॉल चेंज करेंगे डेल वाई एंड डेल एक्स, क्योंकि यहाँ पे वाई एंड एक्स है, सो डेल वाई एंड डेल एक्स क्या करेंगे इसमें स्मॉल चेंज करेंगे। आपने स्मॉल चेंज कर दिया तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है कि वाई प्लस डेल एक्स डेल y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, इक्वेशन वो टू हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू लिखने का यह मतलब है कि आप फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू लिख दीजिएगा तो आपको उसमें क्वेश्चन के अनुसार आपको डिसाइड करना है। अगर एडिशन है तो एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन करते हैं, डिविजन डिविजन कर सकते हैं, या स्पेशल नाम भी डाल सकते हैं कि इक्वेशन एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, या सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन एंड टू, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन एंड टू, ये भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप फ्रॉम इक्वेशन वन टू लिखने का मतलब है कि आपको जो सूटेबल हो रहा है क्वेश्चन के अनुसार वो चीज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन वन टू से दोनों इक्वेशन को आपने क्या कर दिया, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दिया यानी घटा दिया। तो आप पहला सेकेंड इक्वेशन किया, उसके बाद दूसरा फर्स्ट इक्वेशन को आपने घटाया तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है क्या कि यहाँ पे y और y क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बच गया आपके पास डेल y, इधर आपके पास जो बचा उसे लिखा। फिर आपने नेक्स्ट इसमें प्रोग्रेस क्या किया कि डिवाइड डेल x ऑन बोथ साइड, यानी डेल x से दोनों तरफ क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे क्या डेल y बाई डेल x हो जाएगा, क्योंकि डेल x से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल x माइनस एफ एक्स बटे डेल x हो गया। टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो ऑन बोथ साइड, यानी आपके पास फिर क्या करना है कि दोनों तरफ आपको पास लेना है टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। अगर आप लिमिट नहीं पढ़े हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेंगे, क्योंकि आपका इस क्लास का वीडियो में मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक से लिमिट को समझ सकते हैं कि लिमिट को समझना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिमिट हायर एजुकेशन या हायर लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सो आप लिमिट को भी देख सकते हैं, तो आपके पास उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है और प्ले लिस्ट में जाके उसका लिमिट को देख सकते हैं आप। तो लिमिट टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ क्या कर लिया, लिमिट ले लिया डेल एक्स टेंस टू जीरो, तो उसी तरह से आपने ले लिया लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटे क्या हो गया डेल एक्स हो गया। तो उसी तरह से आप क्या करेंगे, इसको आप इजी में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स को आप लिख सकते हैं डी ओपन डी एक्स भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं डी ओपन डी एक्स। तो उसी तरह से आपने इसको क्या कर दिया, डी ओपन डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटे डेल एक्स, ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये फार्मूला आपके पास बन गया फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। जब तक आप फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव को नहीं समझेंगे तो डीसी का एक भी फार्मूला आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो चलिए आप ये चीज़ को राइट डाउन जरूर कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप 100% इसको समझ गए होंगे। तो चलिए अगला टॉपिक इसमें देखते हैं।
चलिए गाइस, अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से जो फॉर्मूला होता है उसको प्रूफ कैसे किया जाता है, इस चीज़ को समझते हैं। जनरली लोग क्या जानते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। आप इस जगह पे देखिए, ये जो सिंबल होता है डेरिवेटिव का सिंबल होता है, और डेरिवेटिव यानी वाई के प्लेस पे आपने साइन एक्स लिख दिया तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ये जनरली सब कोई जानते हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है, इसको सीखना है कि प्रूफ कैसे होता है, यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स कैसे प्रूफ होता है। तो वो होता है फर्स्ट प्रिंसिपल से, जैसे अभी आपने देखा फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो चलिए देखिए, इसका प्रूफ समझने की कोशिश करते हैं। एट फर्स्ट आप क्या करोगे, इसे मान लोगे, लेट वाई इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स, जैसे कि आपके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स लिखा हुआ है, क्योंकि ये वाई के प्लेस पे है। अब क्या करना है आपको, स्मॉल चेंज करना है, स्मॉल चेंज डेल वाई एंड डेल एक्स ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ आपको क्या करना है, डेल एक्स एंड डेल वाई को क्या करना है, चेंज करना है। तो आपके पास इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसे वाई प्लस डेल एक्स करेंगे, डेल वाई करेंगे, और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपके पास साइन एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा। इसे इक्वेशन क्या कर लेंगे, टू मान लेंगे, और फिर क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन से यानी फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से एक दूसरे को जब घटाओगे तो वाई में वाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास डेल वाई बच जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में डेल वाई बच जाएगा। जब इसको इसमें घटाओगे तो आपके पास हो जाएगा क्या, साइन एक्स प्लस डेल एक्स, और फिर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, साइन एक्स हो जाएगा। इस अब क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड डेल एक्स ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड यानी दोनों तरफ क्या करेंगे, डेल एक्स से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इस जगह पे देखेगा कि डेल वाई बाय डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स बाई हो जाएगा आपके पास क्या, डेल एक्स हो जाएगा। अब इस जगह पे हम लोग लेंगे टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, चलिए देखिए यहाँ पे क्या ले लेंगे, टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल एक्स टेंस टू जीरो ऑन बोथ साइड। आपने क्या ले लिया, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड जब ले लिया, तो आपके पास इस जगह पे आप समझने की कोशिश करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे। तो चले गए ऐसे यहाँ पे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स, फिर इधर भी करेंगे लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, और फिर इस जगह पे हो जाएगा साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स, और फिर बटे में आपके पास हो जाएगा क्या, डेल एक्स। तो चले गए, इसको इजीली आपने लिख सकते हैं कि डी ओपन डी एक्स लिख सकते हैं, और इधर हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल एक्स टेंस टू जीरो, और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा क्या, साइन ये डेल एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फिर साइन एक्स है, यानी साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स। जैसे कि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, इस जगह पे देखेंगे साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2 और इंटू कॉस सी प्लस डी बटे 2, सी प्लस डी बटे 2 होता है ये फॉर्मूला। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 इंटू साइन सी, इसको मान लेंगे, इसको डी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, इसको डी मान लेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो आपके पास हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, और फिर इंटू में कॉस एक्स प्लस डेल एक्स प्लस एक्स हो जाएगा गाइस, और फिर बटे में आपके पास क्या है, डेल एक्स है, तो क्या कर देंगे आपने, डेल एक्स बटे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपके पास डी ओपन डी एक्स हो जाएगा, इधर लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा, और फिर इस जगह पे आप क्या करेंगे, 2 इंटू साइन एक्स और एक्स क्या हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया, तो डेल एक्स बटे 2 बच गया इस जगह पे, और इंटू में यहाँ पे कॉस
एक्स और एक्स एडिंग हो जाएगा तो 2x प्लस डेल एक्स बटे क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा, और इसके बटे में क्या है आपके पास डेल एक्स है। गैस आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि इस 2 को डेल एक्स के बटे में भी भेज सकते हैं इजी में, तो आप ऐसा कर सकते हैं डी ओपन डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, और फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन डेल एक्स बटे 2, और इस 2 को डेल एक्स के बटे में इजीली में भेज सकते हैं क्योंकि ये 2 फिर ऊपर चल जाएगा गुना होके, और इनटू में आप लिख सकते हैं कॉस 2x प्लस डेल एक्स बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए गैस आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा लिमिट में, इस चीज़ को देख लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बटे एक्स इक्वल टू होता है 1 होता है अप्रॉक्स वैल्यू, उसी तरह से यहाँ पे भी देख लो डेल एक्स बटे 2 डेल एक्स बटे 2 तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ओपन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा इसका रिजल्ट 1, और लिमिट का वैल्यू यहाँ पे डेल एक्स का वैल्यू 0 पुट कर देंगे क्योंकि डेल एक्स का वैल्यू 0 है तो 0 डाल देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2x प्लस 0 बटे 2, 2 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, x प्लस 0 तो आपके पास क्या होगा x होगा, तो इसका रिजल्ट आ जाता है डी ओपन डी एक्स का रिजल्ट आता है कोस एक्स, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे साइन एक्स का रिजल्ट कोस एक्स होता है, तो हेंस में आप लिख सकते हैं हेंस डी साइन डी ऑफ साइन एक्स बटे डी एक्स इक्वल टू क्या होता है कोस एक्स प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आप क्या समझ गए साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स प्रूव्ड समझ गए। तो इसी तरह से जितने भी सारे क्वेश्चन आएगा यानी जितने भी फॉर्मूलाज होगा सारे का प्रूफ इसी से आप सीख सकते हैं और इजीली सीख सकते हैं। चलिए देखिए अब हम लोग इसको डायरेक्ट, जैसे आपका किसी क्वेश्चन में कहेगा कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उस जगह पे आप क्या करेंगे इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए गाइस अब आपको जो समझना है डायरेक्ट आपके पास किसी क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड आउट करना है डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी आपको क्या करना है डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स कह दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एग्जांपल आपके पास इस तरह से दिया हुआ है कि y इक्वल टू मान लेते हैं y इक्वल टू sec x या tan x या आपके पास एफ एक्स मान लिए, क्या मान लिया आपने एफ एक्स मान लिया y इक्वल टू एफ एक्स, तो सबसे पहले ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ y इक्वल टू साइन एफ एक्स और डायरेक्ट कह रहा है डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको इस चीज़ को क्वेश्चन को जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे जो भी क्वेश्चन होगा सॉल्यूशन में लिखेंगे y इक्वल टू एफ एक्स लिखेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स लिखेंगे या यहाँ पे लिखेंगे अगर इक्वेशन होगा y इक्वल टू तो गिवन दैट लिखेंगे जरूर, गिवन दैट y इक्वल टू एफ एक्स लिखेंगे। उसके बाद इसके नीचे लिखना है आपके पास x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने के लिए कह रहा है तो लिखेंगे डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं, कोई इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड भी लगा सकते हैं, या आप शॉर्ट में जो यूज़ कर सकते हैं उसको लिख सकते हैं डिफो इट विथ को w से डिनोटेड कर सकते हैं r को रिस्पेक्ट को r से 2x, ये शॉर्ट में भी ये वाला वर्ड लिख सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पे क्या कि जब डिफो इट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dy by dx हो जाएगा और इक्वल टू में यहाँ पे हो जाएगा f डैश x हो जाएगा गैस, क्योंकि एफ एक्स का डी सी क्या होता है एफ डैश एक्स होता है। तो इसी तरह से आपको एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, एक एग्जांपल यहां पे देख लेते हैं, जैसे आपके पास दिया हुआ है y इक्वल टू दिया हुआ है टेन एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है
10x दिया हुआ है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है इट विद रिस्पेक्ट टू x में, तो इसी तरह से इसमें शॉर्ट में लिखेंगे डीफो इट विद रिस्पेक्ट टू इस इट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे और उसके बाद इस जगह पे कर देंगे dy / dx कर देंगे और उसी तरह से 10 को भी dc के अंदर लिख देंगे यहाँ पे y के प्लेस पे और 10x का dc गैस होता है आपके पास sec स्क्वायर x होता है। तो ये आपको पास याद करना। अभी इस तरह से हम लोग जितने भी फॉर्मूला है सारे फार्मूला को एक जगह पे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया आपके पास y इक्वल टू 10x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy / dx इक्वल टू आपके पास dc कर देंगे 10x का, तो क्या हो जाता है sec स्क्वायर x हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ लेते हैं हम लोग, कंसेप्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि आप सबसे पहले ये चीज़ को देखेंगे dy / dx लिखे या आपके पास इस जगह पे आपके पास लिखे y डैश लिखे या आपके पास y स्टार लिखे या आपके पास y1 लिखे, ये सारे को हम लोग कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। ये इस पॉइंट को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखे और फिर यहाँ पे वाई डबल डैश लिखे या आपके पास ऐसा लिख दे कि वाई डबल स्टार लिख दे या आपके पास वाई टू लिख दे, इनको कहते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं गैस, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है कि आपके पास यहाँ पे डी ओपन डी एक्स ये वाला कंडीशन हमेशा होगा, चाहे डी वी बाई डी एक्स हो कोई भी हो, तो आप जो ऊपर वाले जो भी फंक्शन होगा वाई का, ऊपर का जो भी फंक्शन y का होगा वो डिपेंड किस पे करेगा? x पे करेगा डिपेंड। तो यानी आपके पास ये वाला जो x या y z तो भी हो वो डिपेंड किस पे करता है? x पे करता है। तो इसी से एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है गाइस। तो इसी तरह से आपके पास जितने भी डेरिवेटिव के क्वेश्चन है सारे डेरिवेटिव के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चले गाइस उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए गाइस अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे डेरिवेटिव के जितने भी फॉर्मूला होता है सारे फॉर्मूला को समझने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ उनके प्रॉपर्टीज को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहला फॉर्मूला हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अलजेब्रा से रिलेटेड, अलजेब्रा से रिलेटेड समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको ये प्रीवियस वीडियो में आपने को बताया गया था कि फंक्शन फाइव टाइप के होते हैं, जैसे कि आपके पास फंक्शन जो उसको फाइव टाइप को हम लोग डिनोटेट करते हैं आईलेट से, क्या करते हैं? आईलेट से डिनोटेट करते हैं। इसमें फाइव वर्ड है यानी आई एल ए टी, तो ये आईलेट से फाइव फंक्शन का होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अलजेब्रा की फॉर्मूला। अलजेब्रा जब समझ आएंगे तो इनमें जितने भी फॉर्मूला आएगा सारे जितने भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में वो होता है डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n का होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू x टू दी पावर n माइनस वन। देखिए गाइस यहाँ पे n डज नॉट जीरो, n का वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे n का वैल्यू जीरो होता है तो किसी x टू दी पावर n का वैल्यू जीरो, तो यानी कोई फाइनेट नंबर पे पावर जीरो इसका वन हो जाता है। इन फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका इजीली हो जाएगा, बहुत ही इजी तरीका से। तो चलिए देखिए इनसे रिलेटेड एग्जांपल को भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है x पर पावर फाइव, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n इक्वल टू होता है n इंटू x पर पावर n माइनस वन, यानी जो पावर आता है वो गुना में बदल जाता है और x पर पावर पावर से एक घट जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे x पर पावर फाइव है तो फाइव किस में बदल जाएगा? गुना में बदल जाएगा और फाइव पे पावर फाइव माइनस वन हो जाएगा। तो इजीली लिख सकते हैं फाइव इंटू एक्स पर पावर फोर, तो ये इसका आंसर हो जाता है x पर पावर फाइव का। तो इस तरह से इजीली आप क्या समझ सकते हैं? आंसर भी समझ सकते हैं। तो अब आप इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला होगा सारे आप फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि आप समझ के सारे एक्सरसाइज को आप क्या कर सकते हैं? इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं गाइस। तो चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दूसरा नंबर का फॉर्मूला,
जैसे आपके पास यहाँ पे एक्स है, ऊपर में कोई फंक्शन एक्स है, नीचे भी क्या है एक्स है, उसी तरह से आपके पास अगर दूसरा वाई है, नीचे में भी क्या है वाई है, तीसरा अगर टी है, नीचे भी टी है, यानी सेम फंक्शन का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो उनका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, वन होता है। तो अगर एग्जांपल के लिए देखेंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा मेरे भाई, तो एक्स का डेरिवेटिव हमेशा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसको इजीली समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास अगर दो ऊपर नीचे यानी सेम यानी एक्स टी का रिस्पेक्ट टी के रिस्पेक्ट में करते हैं, टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा वन होता है, वाई का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा वन होता है, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, वन होता है। तो उसी तरह से अगर एक्स का कोई डेरिवेटिव पूछता है तो वन हो जाएगा, टी का कोई डेरिवेटिव पूछता है तो टी हो जाए सॉरी वन हो जाएगा, वाई का डेरिवेटिव अगर पूछता है तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा फॉर्मूला इसी में देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पास अगर ऐसा पूछ देता है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव बनता तो इसी से है, लेकिन आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं वन बटे टू रूट एक्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बनता तो इसी से है, प्रूफ अगर देखोगे तो इसी से इसका प्रूफ हो जाएगा, लेकिन आप याद कर लीजिए डायरेक्ट कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है तो टू रूट एक्स है। उसी तरह से चौथा नंबर का फॉर्मूला में अगर आपसे कोई पूछ दे कि वन बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है गाइस, वन बाई एक्स का, तो आप लिख सकते हैं कि वन बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये भी बनता इसी से है लेकिन इसको याद कर सकते हैं माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। और उसके बाद चौथा नंबर में अगर इस तरह का कोई पूछ दे कि वन बाई एक्स पर पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस एन बाई एक्स टू दी पावर एन प्लस वन हो जाता है। तो इस तरह से अलजेब्रा से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है सारे फॉर्मूला आप इसी तरह से याद कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला आपके पास आता है वो एक्सप्लेनेशन फंक्शन का ही है, तो चलिए देखिए यहाँ पे उसको भी यहीं पे समझ लेते हैं छः नंबर में, कि जैसे आपके पास डेरिवेटिव हो जाता है ए टू द पावर एक्स का, क्या होता है ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको इससे रिलेटेड एग्जाम्पल इस तरह से पूछा जाएगा कि डेरिवेटिव ऑफ थ्री पर पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है गाइज, तो आराम से लिख सकते हैं कि थ्री पर पावर एक्स लॉग ऑफ थ्री होता है। ये हो गया इसका आंसर, फाइनली आंसर ये इसका हो जाता है। तो ए पर पावर एक्स का डेरिवेटिव ए पर पावर एक्स लॉग ऑफ ये होता है। तो इस तरह से अलजेब्रा के जितने भी फॉर्मूला है मैंने आपके सामने लिख दिया। सबसे मेन फॉर्मूला जो होता है अलजेब्रा का यही फॉर्मूला स्टार होता है, इन्हीं से भी ये सारा फॉर्मूला इन्हीं से बन जाएगा। अगर आप यही चीज़ को याद रखना है एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव यानी इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन होता है, इसी तरह से आपको क्या करना है इसको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे ट्राइकोनोमेट्री की फॉर्मूला, इन्हें फाइव फंक्शन है, फाइव फंक्शन का ही हम लोग एक एक करके देखेंगे, इनवर्स का देखेंगे, ट्राइकोनोमेट्री का देखेंगे, अलजेब्रा का तो देख चुके हैं, अभी एक्सप्लेनेशन का देखेंगे और लॉगरिथमिक का भी देखेंगे, सारे का एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। सिर्फ आप क्या करेंगे इसको राइट डाउन करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ धैर्य बना के रखिए और समझने की कोशिश कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि आपको नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपके पास अगर कोई सुविधा नहीं है तो इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ये ऐसा मैथ क्लासेस का वादा है कि आप बैठे बैठे घर बैठे भी टॉपर कर सकते हैं। ये ऐसा मैथ क्लास ने आपको इस तरह का वीडियो प्रोवाइड करेगा, इस तरह का सॉल्यूशन भी सिलेबस का प्रोवाइड करेगा। सिर्फ आपको जो डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं आप ट्राइगोनोमेट्री की फॉर्मूला को समझने की कोशिश। आप देखेंगे ट्राइगोनोमेट्री की फॉर्मूला जितने भी सारा है, टी एफ की फॉर्मूला को समझने की कोशिश करते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पहला आपके पास जो आता है वो डेरिवेटिव आता है किसका, साइन एक्स का। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, क्या होता है कोस एक्स। देखिए गाइस ये जो आपके फिजिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो सो जो जितने भी हमारे बायो में साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो सारे ये वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है डेरिवेटिव। और फिर उसके बाद दूसरा आपके पास होता है डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स का, अगर आप देखोगे तो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो जाता है। उसी तरह से तीसरा अगर देखोगे इसका डेरिवेटिव देखोगे तो इसका टेन एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स,
sec स्क्वायर x हो जाता है। उसके बाद चौथा नंबर में आपके पास डेरिवेटिव जो होता है वो cot x का डेरिवेटिव होता है, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x हो जाता है। उसी तरह से पांचवा नंबर में डेरिवेटिव जो होता है वो होता है आपके पास sec x का डेरिवेटिव होता है, sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x हो जाता है। उसी तरह से आपके पास छठा नंबर में डेरिवेटिव जो होता है वो डेरिवेटिव आपके पास कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू क्या हो जाता है कोट एक्स होता है। देखिए गैस इसमें कुछ कुछ में माइनस हो जाता है और कुछ कुछ में क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो आपको ये चीज़ दिमाग लगाना होगा, ये ट्रिक है कि जितने भी डी सी स्टार्ट होता है सी वाले फंक्शन से उसके आगे नेगेटिव लग जाता है। जैसे साइन का डेरिवेटिव प्लस में कोस, क्योंकि साइन एस से स्टार्ट हुआ, सी से स्टार्ट हुआ कोस, कोस डेरिवेटिव माइनस साइन हो गया, टेन टी से स्टार्ट हुआ टेन का डेरिवेटिव पॉजिटिव में सेक स्क्वायर एक्स हो गया। देखिए यहाँ पे कोट सी से स्टार्ट हुआ तो कोट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। उसी प्रकार हम लोग समझ गए ट्रायकोनमेट्रिक के जितने भी फॉर्मूला था इस तरह से समझ गए। अब हम लोग देखेंगे लॉगरिथमिक का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे लॉग के लिए एक ही फॉर्मूला होता है डी सी का, क्या होता है एक ही फॉर्मूला होता है लॉग एक्स का 1/x, लॉग एक्स का क्या होता है गैस 1/x। जैसे डेरिवेटिव में आपके पास 6 फंक्शन होता है तो 6 का ही डेरिवेटिव होता है, उसी तरह से लॉग में एक ही फंक्शन होता है लॉग का एक ही होता है डेरिवेटिव। वो लॉग एक्स का डेरिवेटिव अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या बताएंगे 1/x। उसके बाद हमारा होता है इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का, किसका होता है इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी ITF का, ITF का गैस। तो चलिए पहले आपके पास इसमें भी 6 फंक्शन का होगा, पहला DC जो होता है वो साइन इन्वर्स x का होता है, साइन इन्वर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 − x²। उसी तरह से दूसरा डेरिवेटिव कोस इन्वर्स का हो जाएगा आपके पास, कोस इन्वर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा −1/√1 − x²। उसके बाद तीसरा नंबर में टेन इन्वर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा, टेन इन्वर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/√1 + x². उसी तरह से आपके पास चौथा नंबर में कोट इन्वर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी कोट इन्वर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास −1/√1 + x². उसी तरह से आपके पास छः नंबर में आपके पास हो जाएगा, पाँच नंबर में डेरिवेटिव हो जाएगा sec इन्वर्स x का, sec इन्वर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√x·x²−1 होता है। उसके बाद छठा नंबर में आपके पास होता है डेरिवेटिव कोसेक इन्वर्स एक्स का, कोसेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है −1/√√1 − x²। इस तरह से याद करना बहुत ही आसान है। जैसे आपने साइन इन्वर्स एक्स का 1/√1 − x² देखा, उसी तरह से कोस का सेम होता है, सिर्फ माइनस लग जाता है। जैसे साइन का कोस माइनस साइन होता है उसी तरह से माइनस लग जाता है, टेन का 1/√1 + x² कोट में क्या लग जाता है −1/√1 + x². उसी तरह से सेक का भी होता है 1/√√x√√1 − 1, तो कोसेक का सिर्फ माइनस लग जाता है √√1 − x². तो इस तरह से इन्वर्स फंक्शन का आपने क्या कर लिया, डेरिवेटिव को देख लिया, लॉग का भी डेरिवेटिव आपने देख लिया। पहला देखा अलजेब्रिक, दूसरा देखा ट्रायगोनोमेट्रिक, तीसरा देखा लॉग, चौथा देखा इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे एक्सपोलिनेशन फंक्शन, लास्ट बचा हुआ है आपके पास एक्सपोलिनेशन फंक्शन का डेरिवेटिव। ये जब भी देखेंगे ई देखेंगे, क्या देखेंगे e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है गैस, और e पावर −x का डेरिवेटिव e पावर −x का डेरिवेटिव −e पावर x होता है। यही दो फॉर्मूला इसमें होता है, अदरवाइज इसमें दूसरा नहीं होता है इसमें। अब हम लोग थोड़ी सी बात को जानकारी में ले लेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात है। यह बात है कि आपको सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि आपको फॉर्मूलाज की नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या होती है आपको फॉर्मूला, अगर मैथ में आपके पास फॉर्मूला है तो फिर आप बादशाह है मैथ का, अगर फॉर्मूला नहीं है तो मैथ का बादशाह आप नहीं है। तो सो गैस आप एट फर्स्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला को रटने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।